प्रश्न। सद्गुरु, आपने कहा है कि हमारी मनोवैज्ञानिक अवस्था पर हमारे भोजन का बहुत प्रभाव पड़ सकता है। चिकित्सा विज्ञान अब इस बात की चर्चा कर रहा है कि कैसे फलों का आहार हमारी मनोवैज्ञानिक खुशहाली को बढ़ाता है। क्या इसका कोई महत्व है? क्या अधिकांश रूप से फल आधारित भोजन उन लोगों के लिए ठीक है जो सामान्य पारिवारिक परिस्थितियों में होते हैं तथा कामकाज और काफी शारीरिक गतिविधि करते हैं? सद्गुरु कहते हैं, किसी भी मशीन में, चाहे जिस तरह के ईंधन का उपयोग हो रहा हो, उसकी क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितनी आसानी से जलता है। उदाहरण के लिए, एक सामान्य कार में आप जिस गैसोलीन का उपयोग करते हैं वह रेसिंग कार या विमान के गैसोलीन से अलग होता है, और उसका कारण है ईंधन का आसानी से जलना। आपने पेट्रोल पंपों पर अलग अलग स्तर के ऑक्टेन वाले गैसोलीन देखे होंगे, 87, 89, 90, 91, 93, 96। हम जब मोटरसाइकिल चलाते थे तो 100 ऑक्टेन वाला तेल लेने के लिए 3 गुना रकम देते थे, क्योंकि उससे अचानक ही हमारी मोटरसाइकिल ऐसे दौड़ती थी जैसे दूसरी नहीं दौड़ सकती थी। सबसे ज्यादा आसानी से पचने वाला भोजन है फल। पाचन का अर्थ है जठराग्नि, पाचन अग्निया। अगर इन अग्नियों को सबसे ज्यादा प्रभाव के साथ जलना है तो निश्चित ही फल सबसे अच्छे हैं। दुर्भाग्यवश बहुत सारे लोगों को आलस्य और जड़ता में ही मजा आता है, उनको जीवन ने छुआ ही नहीं है, तो उन्हें अपने एक भाग के मृत होने में ही मजा आता है। बस पड़े रहना, सोना, नशे में रहना और ज्यादा खाना उन्हें सक्रिय, गतिशील और जीवंत रहने से बेहतर लगता है। ऐसे ही लोगों के लिए फल समस्या हो सकती है, क्योंकि फल आपको जागृत और सतर्क रखते हैं। अगर ये पके हुए ना हो तो ये आपको मदहोश नहीं रखेंगे। हां, उच्च स्तर की जागरूकता भी आपको अगर उच्च स्तर की जागरूकता भी आपको अपार आनंद, गहरा सुख और नशा दे सकती है। मगर अब प्रश्न ये है कि क्या मैं फल खाकर भी सामान्य जीवन जी सकता हूं? प्रकृति ने हमारे लिए फलों का आहार ही चुना है। एक सरल उत्तर जो आपके जीवन की सामान्य क्रियाओं में ही है। मान लीजिए आप एक अस्पताल के बिस्तर पर बीमार है तो कोई भी आपके लिए चिकन बिरयानी नहीं लाएगा, वे आपके लिए फल ही लाएंगे, क्योंकि आपके रिश्तेदार, मित्र भी समझते हैं तुम ये सब खाकर बीमार हो गए हो, कम से कम अब तो सही ढंग से खाओ। आप जानते हैं, आदम ने भी शुरुआत फल से ही की थी, तो फल एक ऐसी चीज है जिसे प्रकृति ने भोजन के रूप में ही बनाया है। आम में गुठली महत्वपूर्ण भाग है, उसका गुदा और छिलका तो पशु पक्षियों को आकर्षित करने के लिए है, जिससे वे फल खाए और उसके बीज को कहीं दूर तक पहुंचा दें। हर ऋतु में कई प्रकार के फल मिलते हैं। यह एक आश्चर्यजनक बात है कि जिस प्रकार के फल एक विशेष ऋतु में प्रकृति हमें देती है, वही उस समय हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छे होते हैं। इस पर बहुत सारा अध्ययन किया गया है कि कैसे उन ऋतुओं के लिए, जब ठंड होती है
गर्मी होती है, जब हवा में नमी बहुत ज्यादा होती है, तो कैसे सही प्रकार के फल जमीन से उगते हैं जो उस ऋतु के लिए उपयोगी है। लेकिन अगर आप वो फल खा रहे हैं जो न्यूजीलैंड से आ रहे हैं, तो ये एक अलग बात है। अगर आप अपने आसपास की जमीन के फल खाते हैं, तो आप देखेंगे कि ऋतु के अनुसार सही प्रकार के फल आपको मिलेंगे जो उस समय खाने के लिए सबसे अच्छे हैं। फल शरीर पर जादुई असर कर सकते हैं। आपकी जीवन पद्धति कैसे भी हो, आप अत्यंत जीवंत और सक्रिय हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसी गतिविधि में है जिसमें शारीरिक श्रम बहुत अधिक है, जैसे अगर आप रोज बाहर जमीन खोदने का काम करते हैं, मशीन से नहीं बल्कि शारीरिक रूप से, और बहुत कठिन मेहनत करते हैं, तो आपको हर 2 घंटे पर भूख लग जाएगी। आप पेट भर फल खा सकते हैं, लेकिन वे इतनी जल्दी पच जाएंगे कि आपको अपना पेट खाली ही लगेगा। अगर आप पूरी तरह से फलों का ही भोजन करते हैं, तो आपको खाना खाते समय ज्यादा समय लगाना होगा और धीरे धीरे खाना होगा, जिससे आप पर्याप्त मात्रा में फल खा सके। आपको थोड़े फल खाने से ही पेट भरा हुआ लगेगा, क्योंकि फल मीठे होते हैं, इसलिए आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी है और धीरे धीरे खाना है। हमारे अंदर एक जैविक घड़ी होती है। मान लीजिए आप अपना सामान्य पका हुआ भोजन खाने में 10 से 12 मिनट लेते हैं, और अगर आप सिर्फ फल खा रहे हैं, तो जैसे ही 10-12 मिनट का समय पूरा होगा, आपका शरीर कहेगा आपने पर्याप्त खा लिया है। इसीलिए आपको जागरूकता पूर्वक ज्यादा खाना है, क्योंकि शरीर यह नहीं देखता कि कितना खाया है, वह बस समय देखता है। अगर आप सिर्फ फलों का भोजन ले रहे हैं और आप बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, तो आपको दिन में 3 बार भोजन करने की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि आप 6 से 8 घंटे सोते हैं, तो बाकी के 16 से 18 घंटे के समय के लिए 3 बार सिर्फ फल खाना आपके लिए पर्याप्त है। लेकिन पेट तो 2 घंटे में ही खाली महसूस करेगा, इसलिए आपको बड़ी ऊर्जा और खाली पेट की आदत डालनी पड़ेगी। ये वो समय है जब आपका दिमाग सबसे बढ़िया काम करेगा, और एक मनुष्य के रूप में आप सबसे अच्छा काम करेंगे। आप चाहे ज्यादा दिमागी काम करते हो या शारीरिक गतिविधि, फलाहार आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप नहीं जानते कि आजकल बाजार में मिलने वाले फलों में क्या क्या भरा होता है। ये थोड़ी समस्या है। मैंने देखा है जिस तरह के देशी फल हम बचपन में खाते थे, वैसे ये फॉर्म में उगाए गए फल नहीं होते। जो फल हमें आजकल मिल रहे हैं, वे ज्यादा बड़े हैं, ज्यादा गोलाकार हैं और ज्यादा अच्छे दिखते हैं, लेकिन वे बोटॉक्स की तरह है। मैं स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता हूं कि इनमें उस तरह की शक्ति एवं जीवंतता नहीं है। ये फल वास्तविक रूप से बाजार के लिए, मार्केटिंग के लिए बने हैं, मनुष्य के लिए नहीं। लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि वे पूर्णतः व्यर्थ है। बस उनमें पहले के देशी फलों के जैसे पोषक तत्व नहीं है। तो हमें इन्हें पूर्णता देने के लिए कुछ मात्रा में दूसरा खाना खाने की जरूरत पड़ सकती है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि पर्यावरण की दृष्टि से भी यह भोजन एक समझदारी का काम है।
हर किसी को अपने खाने का कम से कम 30% भाग फलों के रूप में ही लेना चाहिए। अगर आपका 30% भोजन वृक्षों से आता है, न कि फसलों और जोती गई जमीन से, तो सारे विश्व के लिए पर्यावरण की दृष्टि से एक बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। अगर आप भारी मात्रा में मांसाहार करने से बदलाव लाकर फलों के भोजन की ओर जा रहे हैं, तो हो सकता है कि भोजन करने के बाद आपको लगे कि आपने कुछ खाया ही नहीं है, क्योंकि आपको आदत है भारी भोजन करने की। वैसे तो मरने पर भी आप जमीन में ही जाएंगे, लेकिन अभी तो हम इसे ही जीवन कहते हैं कि हम उछलकर ऐसे बाहर आते हैं जैसे कि हमारा इस जमीन से कुछ लेना देना ही नहीं है। पर बात यह है कि खूब ऊंचा उड़ने वाले पक्षी भी मिट्टी के ही बने हैं। भले ही जब वे आकाश में ऊंचा उड़ते हैं तो उनका जमीन से कोई संबंध नहीं लगता। हर एक जीवन जब यह उगता है, खिलता है, तो यह जमीन से संबंधित नहीं लगता। हालांकि हम सब इसी जमीन के हैं। अगर हमें बाहर जाना है, ऊंचा उठना है, तो हम जो भी भोजन ईंधन के रूप में शरीर को देते हैं वह ऐसा होना चाहिए जो ज्वलनशील हो और पूर्ण रूप से जल्दी जल जाए। वही खाना सबसे अच्छा होता है। हमारे पेट में निसंदेह फल सबसे जल्दी पचते हैं। इसका अर्थ यह है कि इनमें सबसे कम कचरा निकलता है और ये शारीरिक व्यवस्था पर सबसे कम बोझ और तनाव डालते हैं। धन्यवाद।